तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1-6 तक। प्रभु की वाणी ये कहते हुए यिर्मयाह को सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहाँ मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था, वह जो बर्तन बना रहा था। जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता था तो वह उसे मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता था। तब प्रभु की ये वाणी मुझे सुनाई पड़ी, प्रभु ये कहता है, हे इसराइलियो, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? हे इसराइलियो, कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक यकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक यकूब का ईश्वर है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूंगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक यकूब का ईश्वर है। ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का, वे कर ही क्या सकते हैं। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में लौट जाते और उसी दिन उसकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुन्द्र भी और जो कुछ उसमें है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जय घोष, अलेलुया। अनुवाक्य। अलेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। अनुवाक्य। अलेलुया। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 47-53। यीशु ने लोगों से ये कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं, तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यीशु ये दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहां से चले गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।